अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको रिड्राइव करवा लिया था, और इन प्रोडक्ट्स के साथ हमारे पास एक ऐड टू कार्ट का बटन भी है। तो आज की वीडियो में हम ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने जा रहे हैं। अगर हमारे पास यूज़र साइन इन नहीं होता और वो यूज़र ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करता है, तो हमें उस यूज़र को लॉग इन के पेज की तरफ रिडायरेक्ट करवा देना है, या लॉग इन के कंपोनेंट की तरफ रिडायरेक्ट करवा देना है। सेकेंड केस ये है कि अगर यूज़र लॉग इन होता है और वो ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता है, तो हमें क्या करना है, अपने फायर स्टोर डेटाबेस में एक कलेक्शन बनाना है कार्ट का। और ये कलेक्शन किस तरह बनेगा, ये कलेक्शन इस तरह बनेगा कि सबसे पहले जो भी यूज़र लॉग इन है, हमें उस यूज़र की यूआईडी गेट करनी है, और उसी की बेसिस पे अगर हमें यूआईडी मिल रही होगी तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर हमें यूआईडी नहीं मिल रही होगी तो हम यूज़र को लॉग इन के पेज की तरफ, लॉग इन के पाथ की तरफ राउट करवा देंगे। लेकिन अभी हमारा यूज़र लॉग इन है, तो ऑफ कोर्स हमें यूज़र की यूआईडी गेट करनी है और हमें यूज़र की यूआईडी मिल रही होगी। तो हमें क्या करना है, जो भी यूज़र लॉग इन है उसकी यूआईडी को अपने कार्ट के कलेक्शन में यूज़ करना है। जो हमारा कार्ट का कलेक्शन बनेगा वो इस तरह बनेगा कि कार्ट प्लस यूज़र डॉट यूआईडी। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास कार्ट के कलेक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 फाइव कलेक्शंस हैं मेरे पास कार्ट के, और सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। वो इसलिए है कि जो यूज़र की यूआईडी होती है वो यूनिक होती है। तो इस तरह हम कार्ट के कलेक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इससे एक चीज़ ये भी होगी कि जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे जो कि उसने ऐड टू कार्ट किए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर करा देता हूँ। इसको हम कह देते हैं हैंडल ऐड टू कार्ट। हैंडल ऐड टू कार्ट ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जब ये हैंडल ऐड टू कार्ट ट्रिगर होगा तो यहाँ पे हमें एक और फंक्शन ट्रिगर कराना है ऐड टू कार्ट। और इसे ऐड टू कार्ट में हम पास करा देते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ये हमें एज अ प्रॉप रिसीव हो रहा है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। और ये जो ऐड टू कार्ट का फंक्शन है ये हम एज अ प्रॉप रिसीव कर रहे हैं होम डॉट जी एस की फाइल से। जो ऐड टू कार्ट है वो मैं अपनी होम डॉट जी एस की फाइल में कराऊंगा। और ये जो मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट पास कराया है, यहाँ पे मैंने उसको ये वाली वैल्यू दे दी है प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट कराऊं, तो इस कंसोल में मुझे वही चीज़ मिलेगी जो मैंने यहाँ पे पास कराई है, और मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट पास कराया है। अब इसे ऐड टू कार्ट को हम पास करा देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट में, और चलते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की फाइल में और यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं ऐड टू कार्ट। और इसके बाद हमें ऐड टू कार्ट को इंडिविजुअल प्रोडक्ट में भी पास कराना है। और इंडिविजुअल प्रोडक्ट में मैंने इसे प्रॉप को रिसीव कर लिया है और इसको ट्रिगर भी करा दिया है यहाँ पे। अब इन दोनों फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ। अब हमें जो भी करना है होम डॉट जी एस की फाइल में करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर यूज़र हमारे पास साइन इन नहीं होता तो हमें उसको लॉग इन के पाथ की तरफ राउट करना है। और ये हम किस तरह करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें क्या यूज़र की यूआईडी मिल रही है या फिर नहीं। अगर हमें यूज़र की यूआईडी नहीं मिल रही होगी तो हम क्या करेंगे, यूज़र को लॉग इन के पाथ की तरफ राउट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ,
ये मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ स्टेट चेंज यूज़ की है, और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि अगर हमारे पास यूज़र होता है तो हमें क्या करना है। इसको हम दे देते हैं यूज़र डॉट यूआईडी। यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं यूआईडी। इसके बाद सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं यूआईडी का, और यहाँ पे हम फंक्शन ट्रिगर करा देते हैं। तो इस यूआईडी में मुझे क्या मिलेगा, ये वाली यूआईडी। और ये वाली यूआईडी कहाँ से आ रही है हमारे पास, इस स्टेट से। और ये स्टेट कहाँ पे सेट हो रही है हमारे पास, यहाँ पे। तो अब मैं इस यूआईडी का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यूआईडी नॉट इक्वल टू नल। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यूज़र डेफिनेटली लॉग इन है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इस कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट को हटाते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एक एल्स की कंडीशन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश स्लैश लॉगिन। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन। ये मुझे बोल रहा है प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, वो इसलिए कि हमने यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव ही नहीं किए। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन, और मैं अपने यूज़र को कर देता हूँ लॉग आउट। हम चलते हैं वापस अपने मेन राउट पे, और यहाँ पे मैं अब करता हूँ ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पे हम लॉगिन के पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो गए। मैं करता हूँ दोबारा लॉगिन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एल्स वाली कंडीशन चल रही है, और हमारे पास यूआईडी अभी नल है। तो अब अगर मैं दोबारा ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये मुझे रिसीव हो गया। इसका मतलब मेरा ये कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट चल रहा है, और मेरी जो यूआईडी है वो नल नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ प्रोडक्ट का। और इस प्रोडक्ट को, ये वाले ये जो लेट प्रोडक्ट है, इसको मैंने इक्वल कर दिया इस वाले प्रोडक्ट के। और इस वाले प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आ रही थी, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे कंसोल करके दिखाया। अब हमें क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट में एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, QTY। ये प्रोडक्ट की इंडिविजुअल क्वांटिटी है, और इसकी वैल्यू 1 होगी हमारे पास बाय डिफॉल्ट। जब यूज़र ऐड टू कार्ट करेगा तो हम एक और प्रॉपर्टी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगी। देन उसके बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकता है, तो ये जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, टोटल प्रोडक्ट प्राइस। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी प्रोडक्ट डॉट QTY मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो जब यूज़र प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड करेगा तो हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करवाएंगे, टोटल प्रोडक्ट प्राइस। और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट डॉट QTY जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, और प्रोडक्ट डॉट प्राइस ये हम अपने फायरस्टोर डेटाबेस से गेट कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। तो जब ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, उसी की बेसिस पर हम टोटल प्रोडक्ट प्राइस में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कराएंगे। अब हमें क्या करना है कि अब इस पॉइंट पर हम अपने फायरस्टोर डेटाबेस में कार्ट का कलेक्शन बना सकते हैं। तो कलेक्शन हम कैसे बनाएंगे, कार्ट प्लस यू आई डी।
ये यूआईडी हमें कहाँ से मिल रही है? ये जो यूआईडी है हमें इस वेरिएबल से मिल रही है। हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट में हम पास करा देंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी। इसके बाद हम सेट मेथड यूज करेंगे और इस सेट में पास करा देंगे ओवरऑल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट है और इधर हमने इसमें कस्टमाइजेशन कर दी है, प्रोडक्ट क्वांटिटी को ऐड किया है और प्रोडक्ट टोटल प्राइस को ऐड किया है। अब ये एक एसिंक्रोनस टास्क है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट देन और यहाँ पे हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं कि सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। अब अगर यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। हम चल के देखते हैं अपना डेटाबेस। मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कलेक्शन बना कार्ट प्लस यूजर डॉट यूआईडी। इसके अंदर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास वो प्रोडक्ट है जो कि मैंने ऐड टू कार्ट किया था। यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी टोटल प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी की भी है। तो अब जब यूज़र अपने कार्ट में क्वांटिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा तो फिर टोटल प्रोडक्ट प्राइस भी मैनिपुलेट होगी। अब ये मैंने सीसीटीवी कैमरा ऐड किया है। अब मैं कोई और प्रोडक्ट ऐड करवा के देखता हूँ। मैं ये मोबाइल फ़ोन ऐड कराता हूँ। तो यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली एडिट टू कार्ट शो हुआ और यहाँ पे मेरे पास अब दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। यहाँ पे जो ये 3 आ रहा है ये मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर दिया था, लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट 2 दफ़ा ऐड हो जाएगा, क्योंकि फायर स्टोर जो सेम आईडीज होती हैं, अगर कोई आईडी सेम आ जाती है तो उसको खुद ही फिल्टर आउट कर देता है एक आईडी को। तो यहाँ पे अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं। ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट ऐड हुआ और इसमें मेरे पास वो प्रोडक्ट है जो कि मैंने ऐड टू कार्ट किया था। अब मैं इस यूज़र से लॉग आउट करता हूँ और किसी दूसरे यूज़र से लॉग इन करता हूँ। ये मैं एक दूसरे यूज़र से लॉग इन हो गया और इसमें मैं वही वाले प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। मैं एक ये मोबाइल फ़ोन ऐड कर देता हूँ तो मुझे एक सक्सेसफुली एडिट टू कार्ट शो हुआ। हम चल के देखते हैं अपना डेटाबेस। मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और कार्ड का कलेक्शन बना है जो कि मेरे इस वाले कार्ड के कलेक्शन से डिफरेंट है और सिमिलरली इस कलेक्शन में भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास मेरा जो प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट किया था वो ऐड हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देते रहा करें। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो हमने कार्ट का कलेक्शन बनाया है इसको रिट्राइव करेंगे और यूज़र के कार्ट के पेज पर रिट्राइव करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।